हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी वजह से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मैं आज आई हूँ ईद की बासी पर घूमने के लिए, बच्चों को लेकर इंडिया गेट बहुत दिनों के बाद। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगी बाद में। और इंडिया गेट पर आए हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है आज यहाँ पर, देख सकते हैं आप। मैं अभी आपको बैक से दिखाता हूँ। बच्चे जो हैं हमारे साथ में हैं और फैन भी हमारे साथ हैं और ये भी। और मैं तो आता ही रहता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग हैं यहाँ इंडिया गेट पर। मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्राउड आ रहा है। हमारी प्यारी प्यारी बच्चे, पति जोहान, और ये देख सकते हैं पब्लिक कैसा बैठी हुई है। और ये देखें गेट का मंजरात। अंदर के तो कुछ नहीं, अंदर के तो बहुत गलत है। यहाँ पर तो फिर भी सुकून है थोड़ा सा, लेकिन गेट पे देख सकते हैं आप गेट पे क्या शुरू है। भीड़ में से निकल के हम बड़ी मुशक्कत और गुस्से में आ गए हैं। हम अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, मतलब डिनर करने। भूख लग रही है बहुत तेज की और आज मैंने कुछ नहीं पकाया। उसकी वजह ये है। और अभी मेरी इस हद पर लगनी बाकी है क्योंकि हमारी सास के घर पर है दावत कल, तो इसलिए आज हम मेहंदी लगवाएंगे। लगवाने के बाद तो पकाना तो नहीं है। आज हम मेहंदी खाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे, कल दावत खाएंगे। और आज इनकी तरफ से दावत, कल सास की तरफ से दावत, मेहंदी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं हमें कौन सा रेस्टोरेंट मिलता है थोड़ा सा खाली, जो कि हम आराम से बैठ के खा सकें, क्योंकि बासी पे इतना क्राउड है ना इंडिया गेट। तो मैं आन के थक गई, बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। यार जिंदाबाद के नारे, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे। तो गाइस अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, डिनर करने। हमने दो तीन जगह डिसाइड की करी है अभी, जैसे ये पता नहीं कि कहाँ पर मिलता है खाना, जैसे कि अलियामी खाना होता है। भाई हुसैन ने तो जाना नहीं है, उनकी सर्विस बहुत गंदी है, उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर भीड़ तो इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको दिखाऊं क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड है ये इंडिया गेट पर, देख सकते हैं आप। फाइनली आ गए हैं, बंद है हमारे बच्चे और हम आ चुके हैं। और जहान समझ में नहीं आया, मैंने बिल्कुल बेदिली से खाना खाया। मतलब खाना अली अमीन का खाना जबरदस्त और उसकी सर्विस भी बिल्कुल जबरदस्त, और जायका का एक सर्विस और एक चटनी और सीटिंग एरिया। चलो तीन मिला के 10 में से 3 नंबर देना चाहूंगी बस में, इसके अलावा बिल्कुल भी नंबर नहीं। खाना बिल्कुल नहीं बढ़िया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे, मेरा पैसा वेस्ट और बहुत ज्यादा कॉस्टली। तो खैर सही है, फिर भी इतना मुझे बताऊं क्या अच्छा लगा। और अलियामिन के मुकाबले पे 0 में से 0 है, लेकिन आज चटनी इतनी जबरदस्त चटनी थी, बस समझ लो खाना हमने जो खाया वो चटनी के लिए ही खाया, बदौलत खाया हमने खाना। चटनी से लगा लगा के वो बटर चिकन लगा लगा। तो फ्रेंड्स व्लॉग आज हम करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि पूरे रमजान हमने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, जैसे कि कुछ लोग हमें जानते भी हैं, हमारे मामू का इंतकाल हो गया था तो कुछ ब्लॉग शूट हुए वो भी था रमजान का, लेकिन हम वो डाल नहीं पाए थे, आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाए थे। और फिर जाकिरा काम भी स्टार्ट हो गया, जाकिर जाते हैं सुबह, जाते हैं शाम को आते हैं इस चैप्टर में। तो इसलिए गाइस आप कोशिश करेंगे जितना भी कंटेंट बने वो आपसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप सबको ईद मुबारक, ये ईद का स्पेशल ब्लॉग बहुत दिनों के बाद। मैंने गाइस आपको चांदनी पर्दे नहीं दिखाए थे, तो प्लीज मेरे चांदनी पर्दे दिखा दीजिए, आप ही दिखाएं, आपने शुभ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये बनाए थे आफरीन ने पर्दे घर के, जो के थोड़े से क्या बोलते हैं इनको पर्दों को, वो जरी वाले, जरी वाले पर्दे कैसे दिखाई थोड़ा सा। और ये इन्होंने बनाई चांदनी काही कलर की, काही कलर मैंने पसंद करा था, लेके आई थी ये। और ये कुशन के कवर। तो फ्रेंड्स यही हमारी ईद की शॉपिंग, और काफी टाइम के बाद हम गए थे घूमने,
तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड बाय अल्लाह।